अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप इंसाफ इमदाद प्रोग्राम में अपना नाम कैसे रजिस्टर करवा सकते हैं और महाना 4000 रुपये जो हुकूमत की तरफ से मिलना है वो आप कैसे हासिल कर सकते हैं। तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर। जी दोस्तों, तो एक तरीका, पहला तरीका ये है कि आपने अपने राइट मैसेज में जाना है, वहाँ पर आपने जाकर लिखना है जिस नंबर पर आपने मैसेज सेंड करना है वो है 8070। ठीक है, 8070 लिख के आपने नीचे मैसेज में आना है। टेक्स्ट मैसेज में आपने सबसे पहले अपना नाम लिखना है, जैसे कि मैं अपना नाम लिख लेता हूँ, मेरा नाम है मुदस्सर। तो उसके बाद मैंने लिखना है अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, तो मैं अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिख लेता हूँ। जी तो मैंने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर और अपना फ़ोन नंबर लिख दिया है। आपने नाम अपना लिख कर और इमदाद लिख कर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर लिख कर 8070 पर सेंड कर देना है, तो तब भी आपका रजिस्टर हो सकेगा। और दूसरा तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। वेलकम बैक जनाब, हम पहुँच चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपने प्ले स्टोर पर जाकर इंसाफ इमदाद प्रोग्राम जो आपने सर्च करना है इस तरह, तो सबसे पहले नंबर पर ये एप्लीकेशन आ जाएगी। ये वाली एप्लीकेशन है, आपने ये इंस्टॉल कर लेनी है। उसके बाद आपने इसको खोलना है। मैंने ये ऑलरेडी इंस्टॉल कर ली है, तो मैं इसे खोलता हूँ, इंसाफ इमदाद एप्लीकेशन, इसको मैंने खोल लिया है। तो सबसे पहले जनाब आपने अपना यहाँ पर अपना नाम लिखना है, तो मैं उसके बाद आपने शनाख्ती कार्ड लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, तो मैं लिख के आपको बताता हूँ। जी तो फ्रेंड, मैंने अपना नाम और शनाख्ती कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर लिख दिया है, आपने भी ऐसे ही लिख देना है। तो इसमें जो लोग दरख्वास्त नहीं दे सकते उनमें हैं हाजिर सर्विस या रिटायर सरकारी व नीम सरकारी मुलाजमीन, किसी फलाही और स्कीम से फ़ायदा उठाने वाले अफराद, और किसी भी किस्म की गाड़ी के मालक, अलावा मोटरसाइकिल, रिक्शा और चिंची के जिनके पास गाड़ी है, किसी किस्म की भी वो इस स्कीम में हासिल नहीं हो सकते। तो किसी फलाही स्कीम के मतलब और फ़ायदा उठाने वाले अफराद, इनमें वो लोग हैं जो जिनको बेनजीर इनकम सपोर्ट से या दूसरी किसी स्कीम से पैसे मिल रहे हैं, वो इसमें नहीं शामिल हो सकते हैं। सब कुछ लिखने के बाद आपने ये बयान हल्फी पे क्लिक कर देना है कि तमाम क्वाइज मेरी राय के मुताबिक दुरुस्त हैं और कोई मालूमात मैंने खुफिया नहीं रखी, अगर कोई मालूमात गलत साबित हों तो तमाम रकम वापस करने का पाबंद हूं और मेरे ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ये सब करने के बाद आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है, ये जो लिखा हुआ दरख्वास्त जमा करें, तो यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ मैं। क्या आप फार्म जमा करवाना चाहते हैं, तो आपने हाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं कि वज़ीर-ए-आला पंजाब इंसाफ प्रोग्राम में रजिस्टर करने का शुक्रिया, आपकी दरख्वास्त का नंबर है। उसके बाद आपको ये आपका जो शनाख्ती कार्ड नंबर है वो आपको बता देंगे। ठीक है, तो उसके बाद जनाब ओके कर देना है, तो आपका जो रजिस्टर्ड हो चुका है। इसके बाद अगर आपने कोई और रजिस्टर करवाना है तो वह भी करवा सकते हैं। तो मज़ीद ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और किसी भी मालूमात के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। शुक्रिया, अल्लाह।